काबीना कमेटी ब्राइड निजकारी की 24 इदारों की निजकारी की सिफारिश फहरिस्त में पीआईए, ज़रई तरक्याती बैंक, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन शामिल, पेप्को, जिंको और दिगर तकसीमकार कंपनीज की भी निजकारी की सिफारिश, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस और सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड भी फहरिस्त का हिस्सा। FBR का 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने का नया मंसूबा, इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के निफाज के लिए PTA और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ मुलाकातें, 5000 नॉन फाइलर्स की तफसीलात टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया कर दी। FBR के मुताबिक मुलाकातों का मकसद नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स को ब्लॉक कराना है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने छोटे बैचेज में सिम्स ब्लॉक करने से इतफाक़ किया है। नॉन फाइलर्स को सिम्स ब्लॉक करने से खबरदार करने के पैगाम भेजना शुरू कर दिए हैं। वज़ीर आज़म ने मुआशी तरक्की में सऊदी अरब को रोल मॉडल बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अल अरेबिया न्यूज़ को इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब अमन व खुशहाली में शराकत दार हैं। पाकिस्तान सऊदी तजरीबों से फ़ायदा उठाना चाहता है। शोबा IT में भी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की बेपनाह कामयाबियाँ हैं। हमारी खसूसी तवज्जो अभी मुआशी तरक्की पर है। मजीद बोले, पाकिस्तान में पावर सेक्टर को मसाइल का सामना है। बिजली चोरी एक मसला है, ट्रांसमिशन सिस्टम भी कमज़ोर है, महंगी तवानाई की पैदावार भी एक मसला है। हुकूमत बड़े पैमाने पर इस्लाहात लाना चाहती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई वाजिबात ना मिलने पर तहरीक चलाने का ऐलान, विफाक सूबाई फंड्स हमारे हवाले करे, अगर हमारा हक ना दिया गया तो तहरीक चलाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, अगर वार्निंग पर अमल ना किया तो विफाक खुद जिम्मेदार होगा, हमें इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर ना किया जाए। अगर ये समझते हैं हम अनाइंसाफ़ी पर खामोश रहेंगे तो ये उनकी भूल है। महंगी बिजली देने के बावजूद हमें चोर कहा जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को चोर कहना बर्दाश्त नहीं करूंगा। सूबे में तवानाई बहरान की जिम्मेदार विफाकी हुकूमत है। पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद 27 मखसूस नशस्तों से हाथ धो बैठा। सुन्नी इत्तेहाद की दूसरी जमातों को मिलने वाली मखसूस नशस्तें मुअत्तल। पंजाब में हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून 21 नशस्तों से महरूम। पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के हाथ से एक एक नशस्त गई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बड़ा फैसला सुना दिया। स्पीकर का अरकान की मुअत्तली के हुक्म पर फौरी अमल दरामद करने का हुक्म। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब ने मखसूस नशस्तों पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार दे दिया। राना आफ्ताब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तें मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों को देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया था। स्पीकर पंजाब असेंबली ने ऐवान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। इलेक्शन कमीशन का स्पीकर पंजाब असेंबली के फैसले पर ताजुब का इजहार। इलेक्शन कमीशन का कहना है, रुकनियत नोटिफाई और डी नोटिफाई करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बगैर स्पीकर खुद किसी रुकन को डी नोटिफाई नहीं कर सकता। उधर इलेक्शन कमीशन ने मामले पर अहम इजलास पीर को तलब कर लिया। लॉ विंग हुकाम को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग देगा। अदालती फैसले पर अमल दरामद का मैकेनिज्म भी तय किया जाएगा। लाहौर में गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश। सूबाई दारुल हुकूमत में दिन भर हवाओं का राज रहा, रात होते ही बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौसलाधार बारिश और यालाबारी। फैसलाबाद, झंग, मियांवाली, गोजरा और दीगर शहरों में अब्रे रहमत बरस पड़ा। शरकपुर, पत्तोकी, ननकाना साहिब, कमालिया में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। भक्कर और फैसलाबाद में छतें गिरने के वाकयात में 10 अफराद जख्मी हो गए। महकमे मौसमियात ने इतवार तक मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में तेज बारिश से नशेबी इलाके जेरे आब आने का खदशा। बलोचिस्तान में कोयटा, योब, जियारत, बारखान, कलात और दीगर शहरों में भी बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद ने बगैर इजाजत रैली निकालने और तोड़फोड़ पर मुकदमा दर्ज। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन, उमर, आमिर मसूद, मुगल मरकजी मुलजमान नामजद। मुकदमा क़यादत समेत 150 कारकुनान पर 7 दफात के तहत दर्ज किया गया। उधर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ज़ेरे सदारत कोर कमेटी का ऑनलाइन इजलास। 9 वाकयात की आला सतह अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। एलानिया में कहा, आम इंतखाबात में अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबी अमल में नाकाम रहा।
चोरी शुदा मैंडेट वाली हुकूमत तशद्दुद का रास्ता अपना रही है। मौजूदा हुकूमत को बानी पीटीआई से बहुत खौफ है। नून लीग की हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है, यह हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकती। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के हुकूमत पर वार, पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन और रऊफ हसन के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पीटीआई का मैंडेट चुराया गया। जहाँ आइन और कानून की बालादस्ती ना हो वहाँ जंगल का राज होता है। हमने अमरीकी सफीर को कहा, पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। पंजाब को सियाह दौर से निकालकर तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं। पिछले 5 साल नवाज शहबाज शरीफ के कामों को उल्टा करने में लगाए गए। कंटेनर्स एहतजाज नहीं, इलाज के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। वजीरे आला पंजाब मरियम नवाज का क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे से 40 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। वजीरे आला पंजाब ने लैपटॉप स्कीम शुरू करने की मंजूरी भी दे दी। DSP मॉडल टाउन में पायलट सेटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया। डिजिटल लैब में तालिबात के साथ गुफ्तगू में कहा, तालीम में डिजिटल तब्दीली के एक नए दौर का आगाज हो चुका है। उधर वजीरे आला पंजाब के हुक्म पर रोटी 16 रुपए के बजाय 15 रुपए की हो गई है। पंजाब में ज्याला गवर्नर आ गया। सरदार सलीम हैदर ने गवर्नर पंजाब का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में तकरीब हल्फबरदारी, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने गवर्नर पंजाब से हल्फ लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी तकरीब में मौजूद थे। गवर्नर हाउस एक जरदारी सब पे भारी और जीए भुट्टो के नारों से गूंज उठा। इटली में पाकिस्तानियों का गैर कानूनी दाखिला रोकने का प्लान, वजीर दाखिला से अतालवी सफीर की मुलाकात। इंसानी स्मगलिंग रोकने पर गुफ्तगू की गई। गैर कानूनी तौर पर इटली जाने वाले पाकिस्तानियों का दाखिला रोकने के लिए मुआहदा करने पर इतफाक। मुलाकात में मैलान और इस्लामाबाद को सिस्टर सिटीज का दर्जा देने की तजवीज़ भी पेश की गई। वजीर दाखिला ने कहा, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। गैर कानूनी तौर पर इटली जाने वालों को न सिर्फ जेल जाना पड़ेगा बल्कि उनकी रकम भी ज़ाया होगी। अहम खबर है, कराची में बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर तामीर होने वाले पार्क और गर्ल्स कॉलेज पर बिल्डर के कब्जे को अदालत ने गैर कानूनी करार दे दिया। 4 साल कबल लिया गया स्टे ऑर्डर खत्म हो गया। सिंध हुकूमत को कॉलेज और पार्क का काम मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई। आपको बताएं कि कराची में बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर तामीर होने वाले पार्क और गर्ल्स कॉलेज पर बिल्डर के कब्जे को अदालत ने गैर कानूनी करार दे दिया है। 4 साल कबल लिया गया स्टे ऑर्डर अब खत्म हो गया है। सिंध हुकूमत को कॉलेज और पार्क का काम मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। तो कराची में बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर तामीर होने वाले पार्क और गर्ल्स कॉलेज पर बिल्डर की जानिब से कब्जा किया गया था, जिसको अदालत ने गैर कानूनी करार दे दिया है। 4 साल कबल ये स्टे लिया गया था और ये स्टे ऑर्डर खत्म हो गया है।